देखो ये आपके लिए वार्निंग है, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत जोर से अपना बचपन याद आ जाए। आपको अपने बचपन वाला बर्थडे याद है क्या? नहीं, वो रैंडम याद है नहीं कि एक प्लेट के अंदर केक मिलता था, उसके नीचे चिप्स दबे होते थे, साथ में होती थी फैंटा, बट असली याद है। क्या आपको याद है कि 4 साल की उम्र में आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? नहीं ना, दैट्स द प्रॉब्लम यार। बचपन की जितनी भी तस्वीरें हैं ना, वो हमें थोड़ी सी यादें वापस दिला देती हैं, लेकिन कभी उन यादों को महसूस नहीं करा पाती। एंड दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट फॉर माय सन। इसीलिए युवान के 4th बर्थडे पर मैंने उससे कुछ सिंपल सवाल पूछे, एंड आई वॉन्ट कि उसके नेक्स्ट फ्यू बर्थडेज पर भी मैं उससे सेम सवाल पूछूं, सो दैट बड़ा होने के बाद ना ही कैन रियलाइज जिंदगी में पसंद ना पसंद दोनों बदलती हैं, ताकि लाइफ में जिन इमोशंस के साथ हमने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है ना, उन्हें समझने में शायद उसे थोड़ी सी आसानी हो कि जिन चीजों को लेकर एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर मोस्ट वरिड, हो सकता है थोड़े वक्त बाद वो चीजें हमारे लिए मैटर ही ना करें, है ना। सो आज के व्लॉग में होगा युवान का इंटरव्यू और साथ में युवान के बर्थडे पर जो भी हमने तैयारी की, मौज मस्ती की, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज यार यूट्यूब को बताना जरूरी है दैट यू आर एंजॉयिंग दीज व्लॉग्स, ओके। इसलिए ड्रॉप अ कॉमेंट अभी, ठीक है, फटाफट से एक दिल छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा ना क्या लिखना है, ड्रॉप अ हार्ट एंड देन कीप वॉचिंग। रेडी हो आप? Yes. पक्का? Yes. तो सबको हेलो बोल दो। हाय गाइस। हाय गाइस। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आपको बर्थडे के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? युवान के जवाब से पहले सुधा का प्लान सुन लेते हैं। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, तो कल सुबह युवान उठेगा ना, तो रूम के बाहर बलून ही बलून फूलते हैं, क्योंकि मैं इतने बड़े जो बड़े वाले बलून फूलते हैं ना, वो लेके आएंगे। सुधा की प्लानिंग सुनने में गजब है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन मेरे साथ। देखो धोखा तो हमारे साथ हुआ है, जिस काम की जिम्मेदारी सुधा को दी थी अब पूरे परिवार को मिलकर वो काम करना पड़ेगा, बट पता है दैट्स द ब्यूटी ऑफ सच थिंग्स। काम कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, जब सब साथ मिलकर कर रहे होते हैं ना, तब फन आ ही जाता है। सुधा को हमने डेकोरेशन से रिटायरमेंट दे दी है, बट सारे परिवार ने मिलकर काफी अच्छा काम किया। आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट्स में बताना। पर युवान को सजावट के अलावा और क्या पसंद है? जो आपके पिछले बर्थडे पे था, अब की बर्थडे वाला केक आपको अच्छा नहीं लगा? वो दो केक थे ना, वो दोनों पसंद है। इसका मतलब जब तीसरा बर्थडे आएगा ना, जब उस बर्थडे पे मैं मंगवाऊंगा आपसे एक थोड़े वाला केक। थोड़े वाला केक जो दादी के बर्थडे पे आया था? हाँ, वो जो दो दादी के बर्थडे पे आया था ना, जो मार का स्क्रैच हो जाता है, तेज बार को वो टूटता है, फिर वो खाते। ओके। जुलाई में दादी के बर्थडे पर कौन सा केक आया था युवान को अभी तक याद है? और युवान को जो दो केक बिल्कुल पसंद नहीं आए, उनमें से पहला था रेड वेलवेट केक। और दूसरा केक था ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट टाइम याद रखना ये दोनों केक नहीं आने चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, आपको बर्थडे पे केक के अलावा क्या अच्छा लगता है? केक के अलावा पूरी बर्थडे पार्टी। जब बड़े हो जाओगे तब आप अपना बर्थडे कैसे मनाया करोगे? दीवार पे पूरी डेकोरेट करके बलून को, फिर वो लगा के अपना नाम, फिर बल्ले वाला नाच। बल्ले बल्ले कर नाचने में हमारा पूरा परिवार ही काफी आगे है। युवान के इस बर्थडे पर भी हम सबने जमकर डांस किया। लेकिन युवान के दादू की परफॉर्मेंस को हम में से कोई मैच नहीं कर पाया। केक के अलावा आपका फेवरेट फूड क्या है? क्या खाना अच्छा लगता है आपको? मुझे लगता है, सोचने दो, भोज
सारे फ्रूट का सैंडविच। ये सुनकर फ्रेंच फ्राइज फिलहाल किसी कोने में रो रही होंगी, बिकॉज युवान को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। इनफैक्ट दिन में हम उसे स्पेशली मॉल लेकर गए ताकि फ्रेंच फ्राइज दिला सके, गेम्स खिला सके, और घर वापस आकर सुधा काफी एक्साइटेडली किचन में घुस गई। मैं युवान के लिए ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ कि जब वो बड़ा हो तो ऐसे याद करे मेरी मम्मी मेरे बर्थडे पे लड्डू बनाती थी, खीर बनाती। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे करे, यार मैं तो अपने बर्थडे पे बर्गर खाता था। आपको अपने बचपन के बर्थडे के बारे में सबसे ज्यादा क्या याद आता है कॉमेंट्स में बताना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पर्पल। क्यों? किसी चीज की तारीफ का इससे अच्छा लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुना। आई होप आपको भी जिंदगी में कोई अच्छा होता है पर्पल कलर मिल ही जाए। और आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हर हर शंभू। हर हर शंभू पसंद है आपको? गा के सुना दो। और आपको डांस कौन से गाने पे करना अच्छा लगता है? आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? कौन? ठीक है, और कौन सा अच्छा लगता है आपको? अब आप कितने इयर्स के हो गए? बड़े हो गए अब आप? तो बड़े होने के बाद क्या क्या बड़े बच्चों वाली चीजें करोगे आप? सारी चीजें उनकी जगह पर रखूंगा। वाओ, सच्ची? प्रॉमिस करो अपने टॉयज अपनी जगह पे रखोगे? पक्का? फिस्ट बम्प दो। वेरी गुड। चलो ठीक है, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज एक कमेंट छोड़ना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, एंड सिर्फ एक बात याद रखना, अगर किसी भी बात को लेकर आप इस वक्त परेशान हो ना, तो कुछ वक्त बाद या तो वो बात बदल जाएगी या उसका सामना करने का आपका तरीका। सो डोंट वरी, इट्स जप्पी। कल मिलते हैं, बाय।